वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया था। ऐसे में तमाम धार्मिक स्थलों को भी बंद करने के आदेश दिए गए थे। अब लगभग 78 दिनों के लंबे लॉकडाउन के बाद अनलॉक पार्ट 2 में सभी धार्मिक स्थलों को शर्तों के साथ खोल दिया गया है। गाजियाबाद के प्राचीन दूधेश्वर नाथ मंदिर में मंदिर समिति की तरफ से कोरोना से निपटने के लिए एहतियात बरते गए हैं। मंदिर के प्रवेश गेट पर सैनिटाइजर टनल बनाई गई है। कोई भी श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करते समय इस सैनिटाइजेशन टनल में होकर ही अंदर प्रवेश कर सकेगा। साथ ही गेट पर हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश मिल सकेगा। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सामाजिक दूरी के लिए मंदिर समिति की तरफ से गोल घेरे बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंस का खास ध्यान रखा जा सके। आपको बता दें कि मंदिर के गर्भगृह में हमेशा भीड़ रहती थी, लेकिन अब मंदिर के गर्भगृह में पिछले 4 लोगों को ही दर्शन करने की इजाजत दी गई है। उस तरह से परिवर्तन हो गई है। 78 दिन के बाद में जो है मंदिर का ओपन हुआ है, तो जो भी गृह मंत्रालय का निर्देश था, जो उत्तर प्रदेश सरकार का निर्देश था और जिला प्रशासन का, कल DM के साथ मीटिंग हुई थी, तो उसका सारा ही चीज़ों का पालन करते हुए हमने सारी व्यवस्था जो है यहाँ पर जो सैनिटाइज की गुफा बना रहा है, व्यक्तिगत जो 6 फुट की दूरी है उसको रखना है और किसी भी मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है और महात्मा जो लोग है या पुजारी है उनको दूर से नमस्कार करना है। ये सारी व्यवस्थाओं को हमने बनाया। करीब सुबह 5:30 बजे से ही भक्तों का आना तांता लगा हुआ है और शाम को 8 बजे तक जो है मंदिर खुला रहेगा, क्योंकि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कर्फ्यू है। तो इसी बीच में हमें लोगों को दर्शन कराना है कि सुबह 5:30 से लेकर 8 बजे तक, और हमारा जितने भी मंदिर है सुबह 4 बजे खुलता है, परंतु दुधेश्वरनाथ मंदिर में बहुत भक्तों को मानता है, सोमवार में तो 50,000 के आसपास आते हैं। तो अभी हमने भक्तों को विशेष जो प्रार्थना किया था कि कम से कम भगत लोग आवे और घर का एक सदस्य यहाँ पर आवे, और जो 10 साल से छोटा बच्चा है और 65 साल से ऊपर है वो भी इस मंदिर में नहीं आए, वो अपने घर में ही रहकर पूजा पाठ करें। फूल की दुकानें वगैरह जितने भी पूजा पाठ वगैरह सब बंद रखा है, कोई चरणामत नहीं, कोई प्रसाद नहीं, प्रसाद भी नहीं बांटेंगे कोई भी यहाँ पर, ना कोई प्रसाद जो है यहाँ पर मंदिर की तरफ से होगा, ना चरणामत होगा, केवल भगत लोग दर्शन करके जलाभिषेक करके शांतिपूर्वक जा सके, उसका जो है मंदिर ने पूर्ण प्रबंध किया है। लॉकडाउन के दौरान करीब 2 महीने तक बंद रहने के बाद आज से देश में शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट फिर से खुल गए हैं, जिनमें नए नियमों के तहत प्रवेश के लिए सामाजिक दूरी बनाकर पूजा पाठ कर रहे हैं। वहीं मंदिरों में प्रसाद आदि का वितरण नहीं होगा। हमीरपुर के रसीला कस्बे में शैलेश्वर मंदिर आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। स्थित मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे और दर्शन किए। वहीं मंदिर प्रशासन में मंदिर खोले जाने की बड़ी भ्रांतियां हैं। पुजारी का कहना है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, ऐसे में सरकार की गाइडलाइन है एक समय में 5 से ज्यादा श्रद्धालुओं को पूजा करने की अनुमति दे सकते हैं। यहाँ तो हजारों श्रद्धालु आते हैं, ऐसे में भक्तों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना मुश्किल साबित हो सकता है। ये प्रशासन की नियमावली से के अनुसार, गाइडलाइन के अनुसार हमारे मंदिर में जो है 6 या 8 के आसपास तो गोल गुंसे बनाए जाएंगे। उन गुंसों के जो सेवक हैं वो दर्शन करने के बाद उन गुंसों में अन्यत्र भक्तजन उन्हीं गुंसों में पहुँचेंगे। ये और दरवाजे के ही पास में वहाँ जो हमारा मेन गेट है वहाँ पर जूता चप्पलों के लिए उनको बताया जाएगा कि वहाँ आप जूता चप्पल उतारिए और यहाँ उचित दूरी बना करके दर्शन करिए। समयानुसार मैया का जो है गेट खोला जाएगा, इसके अलावा बंद रहेगा, ज़्यादा समय पर नहीं खोला जाएगा वो। हालांकि केंद्र सरकार के आदेशों के बाद देश भर के धार्मिक स्थल खोल तो दिए गए हैं, साथ ही सरकार के दिशा निर्देशों के साथ ही भक्तों को मंदिर में दर्शन कराए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन कराने के लिए तमाम मंदिर प्रशासनों की भूमिका सक्रिय नजर आ रही है। पंजाब केसरी TV के लिए गाजियाबाद से आकाश गर्ग और हमीरपुर से रविंद्र सिंह की रिपोर्ट।